नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम करने की क्रिया आज हम बता रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम हमारे हेड टू लेकर टो, यहाँ तक की एक क्रिया होती है। जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं हम उनको मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसे सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। सूक्ष्म व्यायाम इट्सेल्फ ऐसा व्यायाम है जिसको करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ईजिली हम एक जगह पर बैठकर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट लेवल, जो कि हमारा नेक टू हेड तक रहेगा। हमारे शरीर में जो ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स को एक्टिव बनाने के लिए ये व्यायाम किया जाता है। तो आइए हम नेक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रार्थना कर लेते हैं गायत्री मंत्र की। सुबह का समय है, गायत्री मंत्र का ध्यान करना, उसका उच्चारण करना इट्सेल्फ हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करना है। आइए हम ज्ञान मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें और 3 बार ओम का चैंट करके 1 बार गायत्री मंत्र बहुत आराम से धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर उसकी ध्वनि को सुनना है। ओके, आंख बंद करें, 3 बार लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ रगड़ेंगे। और अपनी हथेलियों को अपने फेस आंख पर रखें, कान पे रखें, अपनी गर्दन पे रखें, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, चेस्ट, पेट, लोअर एब्डोमेन, थाइस, नी, काफ मसल और दोनों फीट। सुख खासन की मुद्रा में बैठना है या पद्मासन की, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहे उस मुद्रा में आपको बैठना है। आइए हम सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया शुरू करें। नेक एक्सरसाइज करेंगे। 4 प्रकार के नेक एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट नेक एक्सरसाइज है सांस लेते हुए अपनी गर्दन ऊपर करना, होल्ड करना सांस को और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट और लेफ्ट करना है, सांस लेते हुए राइट, छोड़ते हुए, लेते हुए।
तीसरी एक्सरसाइज है अपनी गर्दन को टच करना। कैसे करेंगे? सांस छोड़ते हुए टच टू द शोल्डर, सांस लेते हुए नॉर्मल, सांस छोड़ते हुए। अब गर्दन को रोटेशन करेंगे तो हम सबसे पहले सांस को छोड़ेंगे, गर्दन को नीचे करके सांस छोड़ेंगे और फिर लेते हुए वन डायरेक्शन से मूव करके हम वापस छोड़ेंगे, फिर अपोजिट करेंगे। तो आइए करते हैं, सांस छोड़िए, सांस लेते हुए छोड़िए, अपोजिट डायरेक्शन पे। सांस लेते हुए ऊपर। ये थी हमारी गर्दन की चार एक्सरसाइजेस। आइए हम उसके नीचे बढ़ते हैं, शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए बहुत आसान तरीका है अपने शोल्डर को स्टिमुलेट करने का। तो हम सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नॉर्मल, इसी तरह से हम शोल्डर को रोटेट करेंगे। शोल्डर ऊपर जाते समय हमें सांस छोड़ना है, नीचे आते समय सांस लेना है। रिवर्स, बहुत सिंपल एक्सरसाइज लेकिन बहुत पावरफुल। आइए शोल्डर को हमको बैक साइड में पुश करना है, हमें डब्लू की शेप में जाना है और फिर अब हमें पल्स करना है। सांस लेते हुए नीचे, लेते हुए छोड़ते हुए ऊपर, दोनों हाथों को हमें फैलाना है और अभी पीछे की तरफ पुश करना है। सांस छोड़ते हुए पीछे, नॉर्मल सांस, रिलैक्स योर हैंड्स, स्ट्रेट योर बैक, नॉर्मल ब्रीदिंग। आइए हम थोड़ा अब कलाई और अपनी कोहनियों के लिए व्यायाम कर ले। दोनों हाथों को सामने रखना है इस मुद्रा पे, अपनी फिंगर्स की जॉइंट को मूव करना है। तो हमें कैसा करना है? सांस छोड़ते हुए अंगूठे को अंदर दबाना है, उंगलियों को फोल्ड करना है। देखिए, फुल प्रेस करना है ताकत के साथ, फिर रिलीज करिए, सांस लीजिए, होल्ड एंड देन कलाई, रिवर्स, देन कलाई नीचे ऊपर। नीचे करते समय सांस छोड़िए, अब हमारी कोहनियों की एक्सरसाइज। हमें मुट्ठी को बांधना है अंगूठा अंदर करके,
सांस छोड़ते हुए मोड़ना है। यस, रिलैक्स। अच्छा लग रहा है ना? यस, जितनी भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जैसे जैसे जाती है हमारा आलस निकलता जाता है। आइए हम अभी साइड कमर की एक्सरसाइज करते हैं। ये साइड्स के लिए एक्सरसाइज होगी। रेडी स्टार्ट। दोनों हाथ ऊपर लेते हुए सांस लेना है, होल्ड एंड देन ट्विस्ट। रिलैक्स एंड अपोजिट। रिलैक्स एंड सांस छोड़ते हुए अपोजिट। रिलैक्स। ये थी हमारी कमर की एक्सरसाइज। अब हम लोअर बैक की बात करें। लोअर बैक को हमें स्ट्रेच करने के लिए या मूव करने के लिए हमें सिटिंग एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छी क्रिया है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और आप सामने की तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे। मुंडी ऊपर रखनी है आपको, गर्दन नीचे नहीं करना है, नहीं तो गर्दन में दर्द होगा। सांस छोड़िए, लीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर और रिलैक्स। ये थी हमारी जॉइंट एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए। लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं। आइए दोनों पैर को फैलाना है। हमारे फिंगर्स को हमें स्क्वीज करना है पूरी ताकत से और रिलीज करना है। स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। अब सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करें। अभी एंकल रोटेशन, दोनों पैर को साथ में, बैक स्ट्रेट, यस, रिवर्स। अब इसमें भी सांस लेने और छोड़ने का तरीका है। सांस लेते हुए इसको पूरा स्ट्रेच करें सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। देन नीज, नीज के लिए हमें पैर को एक फोल्ड करना है और कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। आप जैसे देखा बैक स्ट्रेट और आपको अपने नीज को नीचे से पकड़ते हुए ये थम्स का सपोर्ट साइड में देना है। अभी 1 2 3 सांस लेते हुए ऊपर यहीं पर हम दूसरी भी एक्सरसाइज करेंगे नीज की, वो भी बहुत सुंदर है। देखिए सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स। रिलैक्स। अभी हम थाइस की भी एक्सरसाइज यहीं पर कर लेते हैं। दोनों हाथ का सपोर्ट लेना है साइड में, पीछे हाथ रखना है, बैक स्ट्रेट एंड थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे आके रोटेशन। 1 2 3 सांस लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स। आइए दूसरे पैर से करते हैं। फोल्ड योर लेग्स, गिव सपोर्ट टू योर नीज एंड देन सांस लेते हुए ऊपर
देन रोटेट करेंगे नीज को, सांस लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, थाइज एक्सरसाइज, दोनों हाथ को अपने अंगूठे टच करके हमें बैठ जाना है। आइए हम थोड़ी सी हमारे लोअर थाइस की, लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज करें। उसके लिए हमें क्या करना है, साइड एंड फ्रंट, साइड एंड फ्रंट। कैसे करेंगे, स्ट्रेट करना है बॉडी। अगर आपको ये नहीं जम रही हो तो ना करें, अपनी कमर को रिलैक्स करते हुए कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, सांस छोड़ते हुए साइड, स्ट्रेट योर बॉडी, होल्ड योर ब्रेथ हियर एंड देन रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए ओनली थाइस जॉइंट को मूव करना है, ओके। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा पल्स पल्स पल्स। अब यहां पर इसको कैसे करना है, दूसरे पैर से कर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए ऊपर, ये थी हमारी थाइस लोअर एब्डोमिनल मसल्स के लिए एक्सरसाइज, जॉइंट के लिए एक्सरसाइज। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ योग बता रहे हैं आपको, तो आप बस यही एक्सरसाइज रोज अगर कर ले मॉर्निंग में, तो आपको पूरे दिन की ऊर्जा मिलेगी, आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप पूरे घर के अपने आराम से सारे काम कर सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं, बहुत आराम से करने की चीज़ है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन लास्ट में एक अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में मुझे, जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। तो हम यहाँ पर आते हैं बटरफ्लाई पोज पे, ओके। अभी यहाँ पर हम हमारे दोनों पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर होल्ड, लेते हुए नीचे। हर क्रिया को सांस छोड़ते हुए होल्ड करना है, उसके बाद देन लेना है, होल्ड करना है। अच्छा हो अगर आप हर छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को 4, 6 और 4 में करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, को फास्ट करने के लिए सांस छोड़े, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर बॉडी एंड देन गो फ्रंट। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को जितना स्ट्रेच कर सके करिए एंड देन रिवर्स आना है ऐसे। बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन पार्ट वन में हम आज इतना ही बताएंगे। आइए हम गुरु को याद कर लें और इस सूक्ष्म क्रिया के पार्ट वन को हम यहीं विराम दें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे,
तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पराब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम।